पंचकुला में प्री बजट को लेकर सभी विधायकों का परामर्श लेने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार पर सुझाव नहीं मानने का आरोप लगाया है। साथ ही इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला ने सरकार पर समय और पैसे बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में सरकार बजट पेश करने जा रही है, इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर विधायकों के साथ प्री बजट पर मंथन कर रहे हैं। प्री बजट पर चर्चा करने के लिए पंचकुला में परामर्श बैठक हुई, लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार सकारात्मक सुझावों को सुनने को तैयार नहीं है। रोहतक से कांग्रेसी विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि किसानों को दिए जाने वाले कर्ज और फसल बीमा योजना पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती, जिसके कारण बीबी बत्रा परामर्श बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। सबसे पहले तो सरकार जो सकारात्मक सुझाव होती है उसको सुनने को तैयार नहीं है, और दूसरा ये है कि मैंने वहाँ पर रखा कि अगर किसान को समृद्ध करना चाहते हो, जिन तक किसान समृद्ध नहीं होगा हरियाणा तक उनको समझ के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करते हैं उसमें सदरन स्टेट के ऊपर भी वहाँ पर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म लोन क्रॉप लोन का दिया जाता है। गुप्ता जी क्या दूसरा मैंने ये कहा कि जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में स्पष्ट बताइए कि इसके अंदर प्रीमियम के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज अपनी कंपटीशन करके आपसे वो लेते हैं, अब ये बताइए कि सबके सामने कि इसमें किसान का कितना शेयर है, इसमें आपका कितना शेयर है प्रीमियम के अंदर, और केंद्र सरकार का कितना शेयर है। इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी प्री बजट चर्चा पर सवाल उठाए हैं। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि ये सब औपचारिकता है, सरकार के पैसे की बर्बादी की जा रही है, बजट की किताब तो छप चुकी है, सरकार विधायकों का समय बर्बाद कर रही है। अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री पर विधायकों को सुझाव के लिए बहुत ही कम समय देने का भी आरोप लगाया है। और किसी विधायक को 2 मिनट से ज्यादा बोलने का समय, 5 मिनट का समय तय किया था, कोई अगर अपनी बात शुरू करता है उससे पहले उसमें क्या कमरा डाल और मुख्यमंत्री दूसरे का नाम तो फिर चर्चा कैसे होगी। नंबर दो, प्री बजट का मतलब आप 2 महीने क्या बोल रहे उस पर डिस्कशन कराओ और उनसे सुझाव मांगो, उस पर चर्चा करो, अपने अधिकारियों को बताओ समझाओ कि इसमें कैसे इनके सुझावों को सिरे चढ़ाया जा सके, लेकिन ये केवल फॉर्मेलिटी है। आपको बता दें कि बजट से पहले सरकार सभी विधायकों से सुझाव मांग रही है ताकि बजट बनाते समय प्रदेश के विकास के लिए सभी बातों का ध्यान रखा जाए, लेकिन विपक्ष सरकार पर सुझाव नहीं मानने के आरोप लगा रही है। अनिल कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।